हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मैं हूं अभिजीत कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में, और चल रहा है आप लोगों का फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, टेबल टेस्ट, रो कॉलम टेस्ट। ओके, और इसका ये क्लास नंबर 6 है, तो आप लोग ये समझ जाना कि बीके सिंह का एक्सरसाइज 6 है। और जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए हो, मैंने बोला था 100 टेस्ट खत्म हो चुका है, और काफी लोग मैसेज करके पूछते हो कि सर टेस्ट परचेज कर सकते हैं क्या, टेस्ट अवेलेबल है क्या। तो देखो, 100 कंप्लीट हो चुका और 100 से 200 के बीच में आ चुका, ठीक है। और इसमें भी 169 तक खत्म हो चुका, मतलब आप टोटल कह सकते हो 31 टेस्ट अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। तो जिसको जिसको चाहिए आप लोग ले लेना, क्योंकि जैसे ही ये खत्म होगा तो फिर 200 से 300 तक का टेस्ट जो है वो ऑर्डर तभी करेंगे जब आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होगा, ठीक है। चलो इसके आगे बात करते हैं। एक अच्छी बात ये है कि अगर आप लोग फॉलो नहीं किए हो तो कर लेना, क्योंकि इसी का देखो पेड कोर्स यहीं पे मैं पढ़ाऊंगा, इसका पेड कोर्स में, प्लस कोर्स में मैं जब पढ़ाऊंगा तो यही लेक्चर देखने के लिए लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग फॉलो करोगे तो सेम लेक्चर होगा तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाल सकता हूँ वहाँ पे अनअकैडमी ऐप पे। तो जो लोग पैसा पे करके देखेंगे वही चीज आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो। और ये आप के लिए है क्योंकि आप लोग इस चैनल पे हो तो आप लोगों तक मेरा बात पहुंच पा रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना, अभिजीत कुमार या अनलिमिटेड एजुकेशन से सर्च कर लेना, मैं आ जाऊंगा, फॉलो कर लेना। और यहाँ पे देखो एक कोर्स मैंने डाल दिया है और दूसरा कोर्स भी मैंने डाल दिया है और तीसरा मैं डालने वाला हूँ, तो काफी प्यारा सा है। और रेलवे पे टारगेट है तो रेलवे से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, तो आप लोग अगर नहीं किए हो तो कर लेना। चलो, और ये बुक है आप लोगों को पता ही है, ये कंटेंट है आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, या आप कह सकते हो बीके सिंह का एक्सरसाइज नंबर 6 के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 मतलब एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन 1 थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। काफी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है फ्रॉम और ऑफ को लेकर के, ठीक है। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें कन्फ्यूजन क्या हुआ था कि मैंने बोला था यहाँ पे कि इस तरह से चलेंगे तो हम लोगों का ये आंसर होगा, मैंने बोला था। तो काफी लोगों ने बोला था कि सर ऑफ द डायगोनल है, तो ऑफ का मतलब होता है क्या, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, तो हम लोग बी आंसर करेंगे, ये आप लोगों का रिप्लाई था। तो सबसे पहले मुझे एक बात आप लोग बताओ कि फ्रॉम और ऑफ का क्या मीनिंग निकलता है, मतलब सेंटेंस का, ग्रामर का भी कोई मीनिंग निकलता है या नहीं निकलता, या जहाँ पे आप फ्रॉम देखोगे वहाँ पे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना शुरू कर दोगे, जहाँ पे ऑफ देखोगे वहाँ पे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना शुरू करोगे। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि ऑफ का मीनिंग मेरा किस सेंस में निकल रहा है, आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना। जैसे कि मैं देखो, सबसे पहले आप लोग ये जान जाओ कि फ्रॉम का मतलब होता है इंक्लूड और ऑफ का मतलब होता है एक्सक्लूड, ठीक है। और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने ये पहले क्यों नहीं बताया, तो देखो पहले इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा ये गलत है कॉन्सेप्ट, लेकिन नहीं, आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को टेबल टेस्ट और वॉच टेबल टेस्ट में, ओके। और एक चीज आप लोगों को पता ही है कि अगर लेक्चर में कोई भी एरर आता है तो मैं उसका क्लियरिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में कर देता हूँ। मेरा टारगेट होता है कि एग्जाम जो आपका फाइनल एग्जाम हो वहां पे आप गलत सीख के ना जाओ, पढ़ते टाइम थोड़ा बहुत अगर माइनर मिस्टेक होता है तो उसका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सारा डाउट को एक साथ करके सर एक लेक्चर देना, तो ठीक है, एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 8 तक जितना भी डाउट है आप लोगों का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग कमेंट करना और उस सारे क्वेश्चन को हम लोग एक नया लेक्चर में देख के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली एग्जाम से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रॉम और ऑफ जो है सो इंग्लिश में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो मैं आपको इसको हिंदी के हेल्प से समझाता हूँ। फ्रॉम का मतलब होता है से और ऑफ का मतलब होता है के, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे सी है, तो मैं बोलता हूं सी के
चार दाएं, समझने का कोशिश करो, राइट राइट जाना है सी के, राइट ऑफ सी, फोर्थ राइट ऑफ सी, फोर्थ राइट फ्रॉम सी। इस लाइन को समझ आओगे तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फोर्थ राइट ऑफ सी, फोर्थ राइट फ्रॉम सी, फर्स्ट वाला है ये, सेकेंड वाला है ये, फोर्थ राइट ऑफ सी, सी के चार दाएं, और इसका मतलब क्या हुआ, सी से चार दाएं, सी के चार दाएं, सी से चार दाएं, राइट साइड ऑफ सी, राइट साइड फ्रॉम सी। तो देखो जब ऑफ रहेगा तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, ऑफ के केस में इसको एक्सक्लूड कर देंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड करना। तो फोर्थ राइट ऑफ सी, तो फर्स्ट राइट ऑफ सी, सेकंड राइट ऑफ सी, थर्ड राइट ऑफ सी, फोर्थ राइट ऑफ सी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि फोर्थ राइट फ्रॉम सी, तो फ्रॉम का मतलब होता है से मतलब आपको इसको काउंट करना है। फोर्थ राइट फ्रॉम सी मतलब सी से चार दाएं, तो ये सी हुआ एक, ये हुआ दो, ये हुआ तीन और ये हुआ चार, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो, से और के का, जैसे कि मैं बोलता हूं पटना के बाद, पटना के बाद, चाहे पटना के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप बोलोगे हाजीपुर, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं पटना से, पटना से हाजीपुर का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे इतना किलोमीटर। तो यहाँ पे के और से का थोड़ा सा मीनिंग निकलता है, के बाद तो हम लोग उसके जस्ट बाद का देखेंगे, और से मतलब वो इंक्लूडेड है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार खुद से एक लोकल लैंग्वेज में एग्जाम्पल लेकर के सोचो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ए बी सी डी ई है, तो मैं बोलता हूँ ए के बाद, ए के बाद बी सी डी ई, मैं बोलता हूँ ए से स्टार्ट करना है, कोई चीज कैसे से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करना है, तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए के बाद, तो बी सी डी ई, तो ये के हो रहा है और ये से हो रहा है, इसमें ए इंक्लूडेड है, इसमें एक्सक्लूडेड है, के को यहाँ ऑफ बोलते हैं, यहाँ पे फ्रॉम बोलते हैं, तो फ्रॉम में इंक्लूडेड है और ऑफ में एक्सक्लूडेड है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अब एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक था, इस क्वेश्चन में मिस्टेक कुछ नहीं था, आप लोग गलत समझे। अब यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है के और इसका मतलब होता है एक्सक्लूड, और फ्रॉम का मतलब होता है से और इसका मतलब होता है इंक्लूड, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस में फ्रॉम देखोगे और एक्सक्लूड और इंक्लूड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। जहां जहां आपको ऑफ दिखेगा और फ्रॉम दिखेगा वहां वहां आप लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं होता है। प्रीपोजिशन नाम का भी कोई चीज होता है और सेंटेंस को रिलेट करने का भी कोई मीनिंग होता है। अब देखो मैं अगर आपसे बोलता हूं राइट अपर कॉर्नर में जो एलिमेंट है उसका डायगोनल, तो इसको आप लोग इंग्लिश में कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, डायगोनल ऑफ द राइट कॉर्नर अपर कॉर्नर एलिमेंट, ऐसे बोलोगे ना, डायगोनल ऑफ द राइट अपर कॉर्नर एलिमेंट, डायगोनल ऑफ द राइट अपर कॉर्नर एलिमेंट मतलब इस एलिमेंट का डायगोनल, तो इस एलिमेंट का डायगोनल हुआ ये। तो मैं क्या बोला, डायगोनल ऑफ द राइट अपर कॉर्नर, चाहे अपर राइट कॉर्नर, तो यहाँ पे ऑफ का मीनिंग क्या निकला, यहाँ पे ऑफ का मीनिंग ये निकला कि राइट अपर कॉर्नर में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का डायगोनल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ रो वन एंड कॉलम थ्री, रो वन एंड कॉलम थ्री, ट्रेवल क्लॉकवाइज अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ट्रेवल क्लॉकवाइज अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट, चलो
ठीक है, ट्रेवल क्लॉकवाइज अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ट्रेवल क्लॉकवाइज अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ द लेटर विच इज इन द मिडिल ऑफ थर्ड ए एंड थर्ड ई। तो थर्ड ई कौन सा है, फर्स्ट ई, सेकेंड ई, थर्ड ई। थर्ड ई आपका ये है, थर्ड ए कौन सा है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए। थर्ड ए आपका ये है, तो इस दोनों के बीच में मिडिल लेटर कौन सा है, ए है, और इसका डायगोनल, ये है सेंटेंस का मीनिंग। सेंटेंस का मीनिंग है कि व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ द लेटर विच इज इन द मिडिल। जो लेटर आपका थर्ड ई और थर्ड ए के मिडिल में है, उस लेटर का डायगोनल का थर्ड लेटर, ये है मीनिंग। तो आप लोग मीनिंग को समझो, तब आप लोग ऑफ और फ्रॉम का कंडीशन अप्लाई करना। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब इस इंक्लूड और एक्सक्लूड से नहीं है, ये ऑफ रिलेशन बता रहा है कि इस लेटर का डायगोनल, आपको पता चल गया कि इस लेटर का डायगोनल कौन होगा, और उसके बाद उस डायगोनल का थर्ड लेटर। तो आंसर डी, समझ में आ गया। चलो ये आपका आंसर था, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6 के तरफ। तो जो भी लोग ऐसा कमेंट किए थे, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर आप लोग या तो दोबारा से देखो या तो अपना खुद का कॉन्सेप्ट लगाओ। और यहाँ पे एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट डाउन लेटर ऑफ कॉलम 1 और 3 इन रिवर्स ऑर्डर। कॉलम 1 और 3 को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, लिखोगे नहीं लिखोगे, एंड म्यूचुअली एक्सचेंज, और एक्सचेंज भी करना है, करोगे नहीं करेंगे। चूज द कॉलम विथ सी एट लास्ट, ऐसा कॉलम चूज करो जिसमें सी जो है सो लास्ट में है, और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, बताओ कैसे। सोचो हम लोग यहाँ पे अगर बोलेंगे कि चूज द कॉलम विथ सी एट लास्ट, तो सी तो लास्ट में किसी में भी नहीं है, देखो किसी में भी नहीं है, तो हम लोग गलत कर देंगे, गलत नहीं होगा। ये कंडीशन लगाने के बाद का लाइन है, कंडीशन लगाने के बाद का लाइन है। तो सी लास्ट में कब होगा बताओ, आप रिवर्स करोगे तो सी लास्ट में कब होगा, तो सी लास्ट में होगा जब कॉलम 1 को रिवर्स करेंगे, तो ये सी खुद यहाँ पे आ जाएगा, तो सी लास्ट में हो जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा तो लास्ट में हो जाएगा। और आपको बोला जा रहा है कि एक्सचेंज भी करना है, तो एक्सचेंज भी करना है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा और ये सी यहाँ पे चला जाएगा। अब बताओ सी लास्ट किस कॉलम पे है, तो कॉलम 3 में है। तो ये हम लोगों को कॉलम डिसाइड करने के लिए था, तो कंसेप्ट इस तरह से लगाना है आपको जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 को पूरी तरह से रिवर्स करके एक्सचेंज करेंगे और तब लगाएंगे। आपको यहाँ पे बोला गया कि चूज द कॉलम विथ सी एट लास्ट, अब आपको कॉलम फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉलम में मेरा सी लास्ट में है। तो आप देखोगे कि 1 को रिवर्स करेंगे, 3 को रिवर्स करेंगे, तो ये सी यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, और इस दोनों को फिर एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब मेरा कॉलम 3 में सी लास्ट में है। तो हम लोग कॉलम 3 को सेलेक्ट कर लिए। मूव टॉप सेकंड, अब बताओ यहाँ पे अगर आप टॉप सेकंड जाओगे तो कैसे जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखना पोजीशन के बारे में, मैंने आपको बताया हुआ अच्छे से, जब पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो लेटर कुछ भी हो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सी यहाँ पे है तो रियल में क्या हो रहा है, रियल में मेरा ये सी देखो, ऐसे ये सी यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, डी यहाँ, ए यहाँ, और एक्सचेंज करेंगे तो ये सेम चीज मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ए डी बी ए सी। तो ये मेरा रियल में है कॉलम 3 आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशन, ये मेरा रियल में है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं करना है, हम लोगों को प्लेस वैल्यू से मतलब है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉलम 3 में टॉप पे जाके आपको बताना है कि राइट में कौन सा लेटर है, तो बी रहे या ए रहे डजंट मैटर, अपन लोगों को यहाँ पे जाके राइट जाना है, और राइट में कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है कॉलम 4 में, हम लोग आंसर कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लेस को अगर कंसिडर करना हो तो लेटर को इग्नोर करो, ठीक है। चलो अभी जैसे कि हम लोगों ने सिर्फ इतना पता किया कि कॉलम 3 का बात हो रहा है, मूव टॉप सेकंड, टॉप सेकंड यहाँ पे है, इस प्लेस पे है, छोड़ दो कि डी है कि बी है, डजेंट मैटर, इस प्लेस पे है। मूव लेफ्ट सेकंड, अब लेफ्ट सेकंड आ गए, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आ गए, व्हाट इज द लास्ट लेटर, अब यहाँ पे कौन सा लेटर है वो मेरा
आंसर होगा। अब बताओ आप लोग यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। तो प्लेस आपको पता चल गया और आपको ये पता है कि कॉलम थ्री और कॉलम वन को रिवर्स करके एक्सचेंज करना है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब ये डी यहाँ पे चला जाएगा और ये डी यहाँ पे चला जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सब समझाने के लिए इतना ज्यादा मुझे बोलना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक बार और इसे सॉल्व करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे शॉर्टकट में। ठीक है, राइट डाउन लेटर ऑफ कॉलम वन एंड कॉलम थ्री इन रिवर्स ऑर्डर एंड म्यूचुअली एक्सचेंज। चूज द कॉलम विथ सी एट लास्ट। सी एट लास्ट किस में आएगा, तो वन को रिवर्स करेंगे तो नीचे आ जाएगा और वन को कॉलम थ्री से एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, मतलब कॉलम थ्री का बात हो रहा है। मूव टॉप सेकेंड, कॉलम थ्री में हम लोग टॉप सेकेंड पे चले जाएंगे। मूव लेफ्ट सेकेंड, लेफ्ट फर्स्ट, लेफ्ट सेकेंड यहाँ पे आ जाएंगे। इस प्लेस पे मेरा क्या आंसर होगा, तो इस प्लेस पे ये आंसर होगा, डी यहाँ जाएगा और ये एक्सचेंज होकर यहाँ आएगा, तो मेरा आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रिवर्स किया है और एक्सचेंज किया है। समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। बस आप लोग ये समझ लो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मैंने अच्छे से करवाया था। जो चैनल से जुड़े हुए हो, चाहता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, इसलिए साइको टेस्ट मैं करवा रहा हूँ। मैंने मैक्सिमम साइको टेस्ट करवा दिया है, सिर्फ बाकी करवा रहा हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों का सिलेक्शन करवा दिया जाए, इस वजह से करवा रहा हूँ। वैसे साइको टेस्ट का लेक्चर का अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल सेक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोड है, फिर भी कोशिश करके टाइम निकाल के आप लोगों को लेक्चर दिया जा रहा है कि जो भी छोटा मोटा कन्फ्यूजन और बचा हुआ है आपका वो भी क्लियर हो जाए। रेस्ट थिंग जो है सो सिर्फ एक चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका प्रिपरेशन लेवल हाई होगा, क्योंकि सारा चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर टू। चूज द कॉलम विच हैज लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट। अब बताओ ये क्वेश्चन सही है क्या। आपको ऐसा कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसके पास लास्ट लेटर है अल्फाबेट का। तो यहाँ पे पांच ऑप्शन का बात हो रहा है, ए बी सी डी ई, तो लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट ई है। ई जो है कॉलम टू में भी है, ई जो है सो कॉलम थ्री में भी है और ई जो है सो कॉलम फोर में भी है। तो अपन लोग इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग कॉलम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। चूज द कॉलम विच हैज लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट, तो हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। चूज द मिडिल लेटर ऑफ द कॉलम। अब अगर ये तीनों कॉलम है तो इसका मिडिल ये है, इसका मिडिल ये है, इसका मिडिल ये है। मूव अप, मूव राइट, मूव डाउन। अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो ऐसे करके अप राइट डाउन ये आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से चलते हैं अप राइट डाउन ये आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से चलते हैं अप राइट नॉन ये आंसर हो जाएगा। एक में बी आंसर हो रहा है, एक में ए आंसर हो रहा है, एक में सी आंसर हो रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो ये क्वेश्चन में हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हो, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हो या ग्रामेटिकल एरर कह सकते हो। इस क्वेश्चन में रियल में ये निकलता कि चूज द कॉलम विच हैज लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट एट लास्ट, ये आपका सही क्वेश्चन है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे, ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट लास्ट में है। और चूज द मिडिल लेटर, अब इस कॉलम को हम लोग मिडिल को सेलेक्ट कर लेते। उसके बाद करा मूव अप, मैंने बताया हुआ जब अप रहेगा तो आप लोग टॉप पे नहीं जाओगे, जस्ट अबव। मूव अप, मूव राइट, मूव डाउन। डाउन का मतलब ही समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग में ये सारा कन्फ्यूजन था, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो राइट आंसर मेरा ए। ठीक है, क्यों राइट आंसर ए होगा, क्योंकि मूव अप, मूव राइट और मूव डाउन, तो यहाँ पे राइट आंसर ए है। ठीक है, और किताब में शायद कुछ और दिया हुआ है, किताब में शायद सी दिया हुआ है, वो शायद इस कॉलम को कंसीडर करके किया हुआ है, इस कॉलम को कंसीडर करके शायद किया हुआ है। ठीक है, तो वो इशू नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो इसके आगे बात करते हैं। जबरदस्ती आंसर मिलाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट को गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, चूज द लेटर विच इज इन एवरी कॉलम। अब बताओ ये क्वेश्चन सही है क्या, ये क्वेश्चन सही है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। एवरी कॉलम, ए देखो तो सभी में है, नहीं है। बी सभी में है, तो बी सभी में है, और डी सभी में है। तो कोई एक लेटर नहीं है जो पांचों में हो, दो लेटर है आपका पांचों में, बी भी है और डी भी है। अब कैसे बनाओगे, चूज द रो विच डजंट हैव द लेटर। अब आपको वो रो सेलेक्ट करना है जिसके पास ये लेटर है ही नहीं। अब देखो
बी और डी, इसमें है, इसमें बी है और इसमें बी है, यानी कि इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, इसमें देखो इसमें इसमें बी नहीं है और इसमें दोनों है, मतलब ये तीन रो है हम लोगों का जिसमें बी और डी में कोई एक या दोनों नहीं है, तीनों का तीनों है, कोई एक रो ऐसा नहीं है जिसमें बी और डी दोनों नहीं हो। विच लेटर हैज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द रो, अब इस तीनों रो को देखते हैं। इस रो में देखो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, बी का है। इस रो में देखो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, ए और बी दोनों का है। इस रो में देखो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका, डी का है। अब आप ही लोग बताओ आंसर कैसे करोगे, पॉसिबल है क्या? तो रॉन्ग क्वेश्चन से अपने आप को डेविएट मत करो, अपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल को लो मत करो, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन का एरर है और कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट में जितना भी बुक है, जितना भी टेस्ट सीरीज है, सब का सब एरर है, सब का सब में एरर है। इवन रेलवे जो आपको क्वेश्चन देगा ना, वहाँ भी एरर रहेगा, सॉल्यूशन में भी एरर रहेगा, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। चूज द लेटर व्हिच इज इन एवरी कॉलम, तो एक मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं कि एक जगह से डी को हटा दो, एक जगह से डी को हटा दो। सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब मान के चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी मेरा ऐसा लेटर है जो सारे कॉलम में है, तो हम लोग सेलेक्ट किए बी को। अब हम लोग वैसा रो को देख रहे हैं जिसमें बी नहीं है, तो हम लोगों को पता चला कि रो फोर में बी नहीं है। अब रो फोर में हम लोग क्या देखेंगे, रो फोर में हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डी का है, तो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे करना है, अल्टीमेटली कंसेप्ट सीखना है, अप्रोच सीखना है, क्वेश्चन जो किताब में दिया हुआ है उसको गलत तरीका से बना के नहीं सीखना है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, एग्जाम में कुछ और ही आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है कि ओमिट द लेटर ऑफ बोथ डायगोनल एंड दस फोर ट्राइंगल्स आर क्रिएटेड, और ये वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि सारा डायगोनल को क्या करते हैं, हटा देते हैं, सारा डायगोनल के एलिमेंट को हटा देते हैं, तो चार ट्रायंगल मेरा बचता है, चार ट्रायंगल मेरा बनता है। तो आप लोगों को फोकस करना है, आप लोगों को फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल पे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन का खेल यहाँ पे है, ठीक है। चलो तो ये है, अब देखो, ओमिट द लेटर ऑफ बोथ डायगोनल एंड द फोर ट्रायंगल्स आर क्रिएटेड, विच लेटर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, तो आप लोग देखो, आप लोग देखोगे डी एक दो तीन चार पांच, पांच है डी का, मेरा पांच है। ए का देखते हैं एक दो तीन चार है, बी का देखते हैं एक दो तीन चार पांच छह है, तो बी मेरा छह है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। चलो इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में, और क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करने से पहले एक क्वेरीज मैं आप लोगों को सॉल्व कर देता हूं। कुछ लोगों ने डायगोनल को एक्सचेंज को लेकर के कमेंट किया था कि सर डायगोनल को एक्सचेंज कैसे करेंगे, तो हल्का सा मैं हिंट कर देता हूं। सबसे पहले आप लोग ये जान जाओ कि ये जो मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है या रो कॉलम है जो भी है, इसको हम लोग ऑर्डर लिखते हैं कैसे लिखेंगे, फाइव इंटू फाइव लिखेंगे, ये आपको पता है, फाइव फाइव, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी लिखते हैं पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, कभी भी आप ऐसा नहीं देखे होगे कि कॉलम इंटू रो, हमेशा रो इंटू कॉलम, यानी कि इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब देखो हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को कंसिडर करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सी है और लास्ट एलिमेंट ए है। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट सी है और लास्ट एलिमेंट ए है, तो टोटल अपने पास चार डायगोनल बनता है, फर्स्ट रो का दोनों एलिमेंट के साथ और लास्ट एलिमेंट के साथ, और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ और लास्ट एलिमेंट के साथ, टोटल चार डायगोनल बनता है।
दो डायगोनल अपना रो के लिए और दो डायगोनल अपना कॉलम के लिए। फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट रो में दो एलिमेंट है फर्स्ट और लास्ट, तो दोनों के लिए दो दो डायगोनल बनता है। अब बात करते हैं एक्सचेंज को लेकर के, तो आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाना। क्वेश्चन अगर क्लियरली मेंशन है, अगर लिखा हुआ है कि देखो इस तरह का अगर डायगोनल है आपका, मान के चलो ऐसे है डायगोनल ऐसे, और तब आपको बोला जा रहा है कि एक्सचेंज करने के लिए, तो सिंपल सा फंडा है, मैंने क्या बताया था कि दोनों एरो के बीच का डिस्टेंस देखो ऐसा हो रहा है ना, यानी कि ये क्या है कॉलम डायगोनल है। तो अगर कॉलम डायगोनल क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो इसको इसके साथ एक्सचेंज करेंगे, 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 ये होता है आपको एक्सचेंज करने का रूल, किसमें कॉलम डायगोनल में, कॉलम डायगोनल में, तो ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह से अगर रो डायगोनल रहे, उसी तरह से रो डायगोनल रहे, रो वन का एलिमेंट देख लो आप लोग ऐसे है, रो वन का फर्स्ट एलिमेंट के साथ डायगोनल और रो वन का लास्ट एलिमेंट के साथ डायगोनल, और यहाँ पे रो डायगोनल का अगर बात करोगे तो ये क्या हो रहा है, दोनों एरो हेड को मिलाओ इस तरह से हो रहा है, मतलब क्या समझ रहे, इसको इसको एक्सचेंज करेंगे, इसको इसको एक्सचेंज करेंगे, मतलब इस तरह से एक्सचेंज करेंगे, ये इसके साथ एक्सचेंज होगा और ये इसके साथ एक्सचेंज होगा और ये इसके साथ एक्सचेंज होगा, ये क्या है, ये है आपका रो डायगोनल, रो डायगोनल में एक्सचेंज करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ रहेगा कि कॉलम डायगोनल को एक्सचेंज करना है यार रो डायगोनल को एक्सचेंज करना है। अब मान के चलो कि नहीं लिखा हुआ है, अब मान करके चलो कि नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ओनली ये लिखा हुआ है कि दो डायगोनल को एक्सचेंज करना है, ये क्वेश्चन काफी लोगों का था। तो बाय डिफॉल्ट एक चीज होता है, जैसे कैसे बोलते हैं सनराइजेज इन द ईस्ट बाय डिफॉल्ट, तो उसी तरह से अपन लोग जो ये ऑर्डर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम लिखते हैं या कॉलम इंटू रो लिखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे रो इंटू कॉलम लिखते हैं। मैं बोलूंगा क्यों आप कॉलम इंटू रो क्यों नहीं लिख सकते हो, आप बोलोगे नहीं सर रो इंटू कॉलम ही लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट हमेशा रो इंटू कॉलम ही होता है। उसी तरह से बाय डिफॉल्ट अगर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका दो डायगोनल का एक्सचेंज करने के बात करेगा, तो अपन लोग सबसे पहले रो है ना, तो रो डायगोनल को ही कंसीडर करेंगे, और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट से ये डायगोनल, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट से ये डायगोनल, और हम लोग बस रो डायगोनल के हिसाब से एक्सचेंज करेंगे, मतलब इस तरह से एक्सचेंज करेंगे। और मैंने आपको यही चीज बताया हुआ था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर रो के थ्रू क्यों एक्सचेंज करेंगे, कॉलम के थ्रू एक्सचेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में रो डायगोनल रहेगा तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन में अगर कॉलम डायगोनल रहेगा तो आपको समझ में आ गया, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा सिर्फ ये रहेगा कि दो डायगोनल को एक्सचेंज करना है, तो बाय डिफॉल्ट रो डायगोनल मानेंगे और एक्सचेंज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये कन्फ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट करते रहो, क्योंकि रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सारे का कमेंट का आंसर ठीक नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, चूज लास्ट लेटर इन फ्रंट ऑफ रो 5। अब देखो यहाँ पे काफी लोगों का कन्फ्यूजन, आप लोग फालतू में इतना ज्यादा सोच लेते हो कि समझ में नहीं आता है, जो चीज नहीं सोचने के लिए बोला जाता है वो भी सोचते हो। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, लास्ट लेटर इन फ्रंट ऑफ रो 5, मैंने हजार बार बताया हुआ है कि आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, आपके लिए सबसे नजदीक में ये है, सबसे दूर में ये है, आपके लिए फर्स्ट लेटर ये है, सेकंड लेटर ये है, थर्ड लेटर ये है, फोर्थ लेटर ये है, फिफ्थ लेटर ये है। हमेशा मैं आपसे पूछता हूँ कि रो वन का फर्स्ट एलिमेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर लिखा हुआ नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा कि रो वन का फर्स्ट एलिमेंट ये है, कॉलम फोर का फर्स्ट एलिमेंट ये है, रो टू का मिडिल एलिमेंट ये है, रो थ्री का सेकंड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह से लिखा हुआ है कि रो 5 के इन फ्रंट में लास्ट लेटर, तो रो 5 के इन फ्रंट में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, तो लास्ट कौन सा हुआ, लास्ट ये हुआ। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर, तो जब अल्फाबेटिकली लिखा हुआ नहीं है तो फिर आप ई को क्यों टारगेट कर रहे हो, काफी लोगों को मैंने देखा है ई को चूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो ई को यार जब लिखा हुआ नहीं है। तो अगर अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर रहता क्वेश्चन में, यहाँ पे अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर, तब हम लोग ई पे आते। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है रो 5 के इन फ्रंट में जितना भी लेटर है उसका लास्ट लेटर,
तो लास्ट लेटर मतलब लास्ट पोजीशन, और लास्ट पोजीशन मतलब फिफ्थ लेटर, और फिफ्थ लेटर मतलब डी। जब पढ़ाई किया जाता है तो हर चीज इसी तरह से सीखा जाता है। जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है आप भी सीखो, मैं भी सिखाऊंगा, आपका भी क्लियर होगा, मेरा भी क्लियर होगा। टारगेट ये होना चाहिए कि एग्जाम तक क्लियर हो जाए हर एक चीज, ताकि एग्जाम में कुछ गलत ना हो, पढ़ते टाइम में इधर उधर हो सकता है। क्वेश्चन है चूज लास्ट लेटर इन फ्रंट ऑफ रो 5, तो ये सेलेक्ट कर लिए। मूव टॉप अप नहीं है, टॉप है, टॉप पे चले गए। मूव बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट बाय क्रिएटिंग अ ट्रायंगुलर पाथ। अब यहाँ पे काफी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना, आपको यहाँ से बैक होके वापस यहाँ पे आना है और फॉर्म करना है ट्रायंगुलर पाथ को। तो एक बात बताओ, इस तरह से ट्रायंगुलर पाथ को फॉर्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता है क्या? इस तरह से ट्रायंगुलर पाथ को फॉलो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगुलर पाथ तो मेरा दोनों बन रहा है, ब्लू वाला भी देखो और रेड वाला भी देखो। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी द थर्ड लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ लेटर विच इज द मिडिल लेटर ऑफ सेकेंड बी एंड थर्ड बी। अब हम लोग ब्लू वाला को फॉलो करते हैं, सेकेंड बी देखना है और थर्ड बी देखना है, ब्लू वाला को फॉलो करते हैं। फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, सेकेंड बी और थर्ड बी के बीच में मिडिल लेटर आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा है, क्योंकि दो है यहाँ पे, तो मिडिल लेटर नहीं आ रहा है, तो मेरा ब्लू वाला गलत हो जाएगा, क्या रेड वाला पाथ सही है क्या? रेड वाला को देखते हैं, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी। अब बताओ इस रेड वाला को देख के मिडिल लेटर आपको पता चल रहा है क्या? तो आपको पता चल रहा है, सी है मिडिल लेटर, ठीक है। व्हाट वुड बी द थर्ड लेटर ऑफ द डायगोनल, फिर से वही चीज, ये रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे ऑफ का मतलब एक्सक्लूड मत समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पाथ में सेकेंड बी और थर्ड बी के मिडिल में जो लेटर है उसका डायगोनल, यहाँ पे ऑफ रिलेशन बता रहा है, सेकेंड बी और थर्ड बी के बीच में सी है और सी का डायगोनल ये है। अब आपसे पूछा जा रहा है थर्ड लेटर क्या होगा डायगोनल का, यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। जब मैं बोल रहा हूँ थर्ड लेटर, तो इस डायगोनल का फर्स्ट लेटर ये है, सेकंड लेटर ये है, थर्ड लेटर ये है, फोर्थ लेटर ये है, फिफ्थ लेटर ये है, तो मेरा राइट आंसर थर्ड लेटर बी होगा, समझने का कोशिश करो। मूव टू थर्ड राइट, मूव टू द राइट, मूव टू द थर्ड प्लेस, सब में डिफरेंस है, हर लाइन का अलग अलग मीनिंग निकलता है। ये आपका लाइन है, 1 2 3 4 5, आप यहाँ पे हो, मैं बोल रहा हूँ मूव राइट टू द थर्ड, तो आप यहाँ पे ही आओगे, आप कहीं और नहीं जाओगे, मूव राइट टू द थर्ड। अब अगर आपसे मैं बोलता हूँ मूव राइट फोर्थ प्लेस, तो भी आप यहाँ पे ही आओगे, फोर्थ प्लेस पे आओगे। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ मूव फोर स्टेप टू द राइट, तो आप एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप करोगे। तो हर लाइन का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, छोटा वर्ड की वजह से मीनिंग अलग अलग हो जाता है और फिर गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक्सक्लूड और इंक्लूड का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में वॉच टेबल में आपको बताया था, क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट लगाना है या नहीं लगाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत है यार ये लेक्चर बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज अ लेटर विच इज इन रो 4 बट नॉट इन रो 5। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? देखो, चूज अ लेटर विच इज इन रो 4 बट नॉट इन रो 5, इसका भी टेक्निक बताता हूँ। नॉट इन रो 5, तो सबसे पहले रो 5 को टारगेट करते हैं, ए है, बी है, डी है, ई है, सी नहीं है, मतलब सी का बात हो रहा है, सिंपल सा फंडा। अगर आप रो 4 को देखोगे और उसके बाद रो 5 में जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। रो 5 में नहीं है तो डायरेक्ट टारगेट करते हैं, रो 5 में कौन नहीं है, ए है, बी है, सी नहीं है, तो सी नहीं है। तो चूज अ लेटर विच इज इन रो 4 एंड नॉट इन रो 5, तो सी के बारे में
बात हो रहा है। विच लेटर हैज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी एमोंग द एडजेसेंट लेटर ऑफ द चूजन लेटर। अब आपने चूज कर लिया है लेटर को, सी को। अब बताओ सी का एडजेसेंट लेटर कौन कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। इस सारे एडजेसेंट लेटर में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है चेक करो। तो देखो बी आपका एक बार, दो बार, तीन बार आया हुआ है, ई आपका एक बार आया हुआ है, और डी आपका दो बार आया हुआ है, और ए आपका एक बार आया हुआ है, दो बार आया हुआ है, ए आपका दो बार आया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया, तीन एक चार और चार आठ, तीन तीन छः दो आठ। हाँ तो बी आपका सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरा हो जाएगा बी का। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी। ठीक है, बुक में शायद इसका आंसर ई दिया हुआ है तो गलत दिया हुआ है। जितना कॉन्सेप्ट आप सीखे हो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को बनाओ। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, शायद आपको हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। फाइंड आउट द रो विच डजंट हैव अ लेटर हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन कॉलम थ्री। कॉलम थ्री में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बी का है, आपको वो रो पता करना है जिसमें बी नहीं है। तो रो फोर है जिसमें बी नहीं है। व्हाट वुड बी द लेटर ऑफ थर्ड डायगोनल ऑफ अ लेटर विच इज जस्ट बिलो ऑफ सेकेंड लेटर ऑफ द मिडिल लेटर ऑफ द रो। क्या समझे क्वेश्चन में? What would be the letter of third diagonal of a letter which is just below of second letter of the middle letter of the row? अब बताओ इस रो का मिडिल लेटर ये है, इस रो का मिडिल लेटर ये है, और क्या बोला जा रहा है? Which is just below of second letter। अब कैसे करोगे? Which is just below of second letter, यहाँ पे of का मीनिंग निकलता है, of the middle letter of the रो। तो मिडिल, देखो यहाँ पे ऑफ का मीनिंग नहीं निकल रहा था, ये ऑफ जो है वो रिलेशन बता रहा है, रो का मिडिल लेटर के बारे में बात हो रहा है, रो का मिडिल लेटर के बारे में ये ऑफ बता रहा है। तो यहाँ पे ऑफ मेरा एक्सक्लूड और इंक्लूड का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है, ये रिलेशन दे रहा है। और मैंने क्या किया, रो फोर का मिडिल लेटर को सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, जस्ट बिलो ऑफ सेकेंड लेटर, ऑफ सेकेंड लेटर। तो इस डी का ऑफ सेकेंड लेटर कौन होगा? तो ऑफ का मतलब होता है एक्सक्लूड, मतलब डी का सेकेंड लेटर। तो डी का सेकेंड लेटर, अब देखो डी का सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर ये है, सेकेंड लेटर ये है, ठीक है, फर्स्ट लेटर ये है, सेकेंड लेटर ये है। उसी तरह से डी का फर्स्ट लेटर ये होता और सेकेंड लेटर ये होता, दोनों तरफ हम लोग जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हुआ है कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। व्हाट वुड बी द लेटर ऑफ थर्ड डायगोनल ऑफ अ लेटर विच इज जस्ट बिलो ऑफ सेकेंड लेटर ऑफ द मिडिल लेटर ऑफ द रो। तो इसका सेकेंड लेटर ऑफ द मिडिल लेटर, सेकेंड लेटर ऑफ द मिडिल लेटर यहाँ पे, और उसके बाद क्या कह रहा है, विच इज जस्ट बिलो, यहाँ पे आ गया, इसका डायगोनल का बात हो रहा है। उसी तरह से अगर लेफ्ट जाते तो इसका डायगोनल का बात कर रहा है। और कोइंसिडेंटली देख लो कि ये भी आपका कॉर्नर पे है और ये भी आपका कॉर्नर पे है, तो कौन सा डायगोनल हम लोग कंसिडर करेंगे? और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वुड बी द लेटर ऑफ थर्ड डायगोनल, व्हाट वुड बी द लेटर ऑफ थर्ड डायगोनल। यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है कि थर्ड डायगोनल का कौन सा लेटर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, थर्ड डायगोनल नहीं होगा, व्हाट वुड बी द लेटर ऑफ थर्ड ऐसे होता, डायगोनल ऑफ अ लेटर, मतलब इस डायगोनल में जाओ या इस डायगोनल में जाओ, दोनों ही डायगोनल का थर्ड लेटर बी है, दोनों ही डायगोनल का थर्ड लेटर बी है। इस क्वेश्चन को आप लोग गलत बोल सकते हो या क्लियर नहीं बोल सकते हो, या ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, आंख बंद करके एक बार गो थ्रू करना, समझ में ना आए नेक्स्ट निकलना, काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट रहता है, एग्जामिनेशन हॉल में टाइमर इतना फास्ट रहता है कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि इस क्वेश्चन में आप अपना दिमाग खराब करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक एरर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एरर है। ठीक है, तो बस मैं आपको समझा रहा था कि कैसे बनाते हैं ये सब क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द थर्ड लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ लेटर विच इज जस्ट बिलो ऑफ सेकेंड लेटर ऑफ द मिडिल लेटर ऑफ द रो। अब यहाँ पे विच इज जस्ट बिलो ऑफ सेकेंड राइट कह दो,
या लेफ्ट कह दो क्वेश्चन में जो भी रहता, तो हम लोगों का आंसर बी होता, हम लोगों का आंसर बी होता। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं है, मैंने करेक्ट किया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था कि व्हाट वुड बी द थर्ड लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ लेटर विच इज जस्ट बिलो ऑफ सेकेंड राइट लेटर ऑफ द मिडिल लेटर ऑफ द रो या सेकेंड लेफ्ट लेटर ऑफ द मिडिल ऑफ द रो, तो आपका ये क्वेश्चन सही होता। चलो इसके आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कभी मत छोड़ना, देखना और तुरंत बनाना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सच इज हुज रो एंड कॉलम डिजिट्स आर सेम। आपको ऐसा नंबर बताना है ई का जो जिसका रो और कॉलम डिजिट सेम हो। अब एक बात बताओ, आप लोग कॉमन सेंस लगाओ, इस एलिमेंट को छोड़ के डायगोनली बोल रहा हूँ, इस डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के कोई सा भी एलिमेंट ऐसा बताओ जो आपका रो और कॉलम सेम हो। इवन ये डायगोनल भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ए है ना, तो ये फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम है, तो ये डायगोनल भी नहीं है, लेकिन ये डायगोनल मेरा सही है। इस डायगोनल को देखो, जिस पे भी जाओगे आप, जैसे इस डी पे रहोगे तो फिफ्थ कॉलम फिफ्थ रो, इस ई पे जाओगे तो फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मेरा प्राइमरी डायगोनल हुआ, ये मेरा प्राइमरी डायगोनल हुआ। अब इस ई को देखो, फोर्थ कॉलम फोर्थ रो है, इस ई को देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, तो दो ई मेरा ऐसा है जो सेम रो और सेम कॉलम में है, तो आंसर होगा दो, और दो के लिए यूज करेंगे बी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, काफी आसान आसान क्वेश्चन। और एक आपको मैं और दूंगा टेबल टेस्ट का 20 क्वेश्चंस और 10 मिनट्स का, और देखना उसको आप लोग देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से आसमान पे चला जाएगा, आपको लगेगा कि यार टेबल टेस्ट में जान गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लेटर हुज रो एंड कॉलम डिजिट आर नॉट सेम एंड इज द बिगनिंग लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बताओ इसको कंसीडर करोगे क्या, इसको कंसीडर करना ही नहीं है। और बिगिनिंग लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको हिंट भी कर दिया है कि बिगिनिंग लेटर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए का बात हो रहा है, और किस्मत से देखो ए आपका डायगोनल में कहीं पे भी नहीं है, तो ए आपका डायगोनल में कहीं पे भी नहीं है, तो ए जहाँ पे भी है इस कॉलम में, देखो ए जहाँ पे भी है उसका रो और कॉलम अलग अलग है। यहाँ पे अगर ए रहता तब मेरा रो कॉलम सेम होता, इसके अलावा बाकी सारा जगह ए है उसका रो और कॉलम अलग अलग है। तो क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लेटर हुज रो एंड कॉलम डिजिट आर नॉट सेम, तो ए आंसर होगा, सिंपल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट वुड बी अ लेटर विच इज जस्ट बिलो ऑफ अ लेटर विच इज द अपर सेकेंड लेटर ऑफ अ लेटर हुज रो एंड कॉलम डिजिट आर सेम एंड इट इज द सेकेंड लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो देखो साफ साफ यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है सेकेंड लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, और उसका रो और कॉलम भी सेम। तो हम लोग जैसे ही रो और कॉलम सेम का बात होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस डायगोनल पे चर्चा करेंगे। और आपको बोला है सेकेंड लेटर, तो सेकेंड लेटर बी है जो मेरा इस लाइन पे है, तो बी एक ऐसा लेटर है जो अल्फाबेटिकल सेकेंड भी है और इसका रो और कॉलम भी सेम है। अब क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट वुड बी अ लेटर विच इज जस्ट बिलो ऑफ अ लेटर विच इज द अपर सेकेंड लेटर ऑफ अ लेटर हुज रो एंड कॉलम डिजिट आर सेम। अब यहाँ पे देखो अपर सेकेंड लेटर ऑफ अ लेटर, अब यहाँ पे देखो अपर सेकेंड लेटर ऑफ अ लेटर, यहाँ पे ऑफ का मीनिंग निकलता है या नहीं निकलता है बताओ, अपर सेकेंड लेटर ऑफ अ लेटर, अपर सेकेंड लेटर फ्रॉम अ लेटर, यहाँ पे मीनिंग निकलता है कि नहीं निकलता है, तो आप बोलोगे जी निकलता है। तो अपर सेकेंड लेटर जाना है, अपर तो इसको छोड़ना है, अपर वन पे गए अपर टू पे गए, यहाँ पे हम लोग आए अपर सेकेंड लेटर ऑफ अ लेटर, मतलब इसके बाद दो ऊपर जाना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टॉप पे चले गए, तो जरूरी है क्या, टॉप को अपर सेकेंड नहीं बोल सकते, अपर सेकेंड अलग चीज है, आप ये नहीं कह सकते हो कि सेकेंड फ्रॉम टॉप, अपर सेकेंड और सेकेंड फ्रॉम टॉप, ये दोनों अलग अलग है, इसको सेम मत समझना। ठीक है, अपर सेकेंड लेटर ऑफ अ लेटर,
तो यहाँ पे आ गए। व्हाट वुड बी अ लेटर विच इज जस्ट बिलो ऑफ अ लेटर विच इज द अपर। अब इस लेटर के जस्ट बिलो कौन सा लेटर है, तो इसके जस्ट बिलो आपका ये लेटर है। व्हाट वुड बी अ लेटर विच इज जस्ट बिलो ऑफ अ लेटर, इस लेटर के जस्ट बिलो, जस्ट बिलो। यहाँ पे ऑफ का मीनिंग लगाओगे तो भी और नहीं लगाओगे तो भी, मेरा राइट आंसर ये वाला बी होगा, तो 10 का बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, और शायद इस लेक्चर में सभी लोगों को जितना भी कंफ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। और भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना, अभी एक्सरसाइज 7 बाकी है और 8 बाकी है, तो हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। और अगर पूरा सेशन में कहीं मुझसे मिस्टेक हुआ हो तो भी कमेंट करना, और मैं कमेंट को पिंड कर दूंगा। और कमेंट करने से पहले देख लेना कि कोई भी कमेंट पिंड है या नहीं है, क्योंकि बोलना, लिखना, समझाना, एक्सप्लेन करना, सारा चीज एक साथ जब करते हैं तो कहीं कहीं पे माइंड स्लिप कर जाता है, तो मिस्टेक हो जाता होगा। तो अगर कहीं ऐसा लगे तो कमेंट करना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का। लेक्चर थोड़ा सा स्लो आ सकता है बिकॉज मुझ पे किसी और सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा लोड है। और मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।